Hello students, this video is created specially for a topic that is called एक अलग टॉपिक के लिए बनाई गई ये वीडियो है जो बेसिकली डिपेंड या फिर स्पेशली बनाई गई है जो वो डिपेंड करती है इसके ऊपर फाइंडिंग द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज ठीक है ये इसके लिए ही स्पेशल वीडियो बनाई गई है पार्ट वन हम लोगों ने बेसिक क्लियर कर लिया सारा कि मीन हम लोग कैसे किस किस सीरीज में निकाल सकते हैं अलग अलग तरीके से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं जो कि बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक बन के आया हुआ है बच्चों के लिए बच्चे में से हम लोग पूछते रहते हैं कि सर ये वाला ऐसे होगा या फिर मिसिंग फ्रीक्वेंसी में ऐसी मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं आ रही है हमसे तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक बार कि वो कैसे सॉल्व आउट करेंगे हम लोग ठीक है इसको सॉल्व करने के लिए आपको लास्ट वाला पार्ट देखना बहुत जरूरी है अगर आप लोगों ने नहीं देखा इन द केस तो जरूर देखिए फॉलोइंग अप अगर उस पार्ट को अगर देखेंगे तो अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी यहाँ पे है मेरे पास एक क्वेश्चन जहाँ पे मुझे निकालना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी मुझे यहाँ पे सी आई दे रखा है 11 to 13 13 to 15 15 to 17 17 to 19 देन 19 to 21 21 to 23 23 to 25 देन फ्रीक्वेंसीज दे रखे मुझे 3, 6, 9, 13 क्वेश्चन मार्क 5 and 4 दिस इज माय क्वेश्चन अब आपने अगर लास्ट वाला पार्ट देखा होगा तो हमें यहाँ पे ऐसे इंटरवल में एक चीज निकालनी होती है दैट इज कॉल्ड मिड वैल्यू ठीक है उसका फॉर्मूला था L1 plus L2 divided by 2 तो इसको हम लोग चलो सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे मिड वैल्यू 11 plus 13 divided by 2 तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज लिख रहा हूँ मेरे पास वैल्यूज ऑलरेडी कैलकुलेटेड हैं मेरे फोन में यहाँ पे 12, 14, 16, 18, 20, 22 and 24 आएगी मैंने इतनी जल्दी कैलकुलेट कैसे करी ये भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था आपसे बहुत ही अच्छी तरीके से कि हम लोग पहली वैल्यूज ही सारी वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशंस उसके बाद हमें निकालना होता था एफ एम ठीक है एफ एम निकालना होता था हमें यहाँ पे 36, 84, 144, 234 यहाँ पे 20 F मैं इसे यहाँ पे F मान लेता हूँ क्योंकि मेरे पास ये मिसिंग फ्रिक्वेंसी है यहाँ पे 110 आ जाएगा यहाँ पे 96 आ जाएगा अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो x बार का फॉर्मूला होता था सिग्मा एफ एम डिवाइड बाय सिग्मा एफ करते हैं फटाफट से सिग्मा एफ जो मेरा आएगा वो होगा 40 प्लस एफ सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 40 प्लस सिग्मा एफ एम भी निकाल लेते हैं यहाँ पे सिग्मा एफ एम मेरा आएगा 704 प्लस 20 F सिंपली ये वैल्यूज मेरे पास में निकल करके आ गई हैं लेकिन ये है इन द टर्म्स ऑफ एफ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ही मैंने अलग से वीडियो बनाई है ताकि मेन की वीडियो के साथ भी बन सकती थी ये वीडियो बट ये अलग से इसलिए बनाई गई है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ब्रॉड हो सके थोड़ी सी इसलिए तो अब हमें यहाँ पे मेन क्वेश्चन में गिवन है मेन क्वेश्चन में गिवन कितना है यहाँ पे मेरे पास में है गिवन 18 18 गिवन है तो मैं फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट कर देता हूँ 18 मेरे पास है सिग्मा एफ एम मैंने कितना निकाला 704 प्लस 20 F डिवाइड बाय सिग्मा एफ मेरे पास कितना है 40 प्लस F ठीक है अब मुझे यहाँ पे करना है सबसे पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई 18 × 40 + F इज इक्वल टू 704 प्लस 20 F ठीक है तो यहाँ पे मेरा जो मल्टीप्लाई करके आएगा मैं बता देता हूँ क्या आएगा यहाँ पे मेरा मल्टीप्लाई करके आएगा 720 प्लस 18 F ये क्यों हुआ क्योंकि मैंने एक बार इसकी 40 से करी और एक बार F से करी इज इक्वल टू 704 प्लस 20 F ये अभी तक कैसे चल रहा है ठीक है उसके बाद में क्या होगा यहाँ पे इस वाली टर्म को जो मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस में है मैं एक साथ लेता हूँ तो 720 माइनस 704 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा इस इक्वल टू 18 F माइनस 20 F सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे 20 F माइनस 18 F यहाँ तो मैं दिक्कत तो नहीं है ये बिल्कुल नहीं है यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे बचेगा 16 एंड 20 F माइनस 18 F दैट इज 2 F
then f will be 16 divided by 2, f is finally a. यहाँ पे मेरा क्या है, a आया है, ठीक है. क्वेश्चन मैंने देख लिया था पहले ही, कि क्वेश्चन व्हाट इज द क्वेश्चन, मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिया बहुत अच्छी तरीके से. अब एक क्वेश्चन और आ जाता है कि हम कैसे मान लें कि ये फ्रीक्वेंसी सही आ रही है, तो उस फ्रीक्वेंसी को हमें वेरीफाई करना पड़ेगा. अब आप पास ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी गेट हो गई, मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ इसको. मीन मुझे क्वेश्चन की कीमत है 18, लेट्स वेरीफाई दिस ऑल्सो. मेरी फ्रीक्वेंसी निकल करके आई थी 8, है ना, 8 आई थी. दैट विल बी 40 प्लस 8, मतलब 48. यहाँ पे क्या होगा, 30 f, 20 इंटू f, दैट इज 160. सो 4 प्लस 160, 4, 6 एंड 8, 864. Then the new values are 864 and 48. Suppose हमें अभी mean नहीं पता है, हमें नहीं पता कि 18 आएगा, लेकिन 18 आना चाहिए in order to verify कि हमने 8 सही mean निकाला है या गलती निकाला है. तो हमें सबसे पहले 864 divide by 48 करना है. Then you will get your answer and that answer should be the correct answer. हमारा यहाँ पे जो mean था वो 18 था और ये 18 से ही जाएगा. If you try then also 2, 4, 8, 6, 3 and 2, 2 and 4, 2, 1, 6, 1, 2, 2, 1, 8 and 6 and that is 18. Okay, yes, we have done the verification as well, we have done everything. इन मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, ये वीडियो खास मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए ही बनाई गई है, ठीक है. अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, ये वाली, लेट्स ट्राई दिस. आप ट्राई करिए इसे.